अकाली बाबा फूला सिंह एक बहादुर सिख जरनैल सन जिन्हां दे अगे सिख ही नहीं बल्कि दुश्मन फौजां जिहड़ियां भी झुक जाया करदियां सन। अकाली बाबा फूला सिंह निडर रहे हैं कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं भी जिहड़ा उह सज़ा सुनाउण तों गुरेज नहीं करदे। अंग्रेज़ जिहड़े सन अकाली बाबा फूला सिंह नूं गिरफ़्तार करना चाहुंदे है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 12 मिसलां दे विचों निशान वाली है मिसल दे नाल संबंधित लहरा गागा दे नेड़े पिंड शीहां दे रहन वाले भाई ईसर सिंह दे घर 1761 ईस्वी नूं एक पुत्तर दा जन्म होया जिस दा नाम रख्या गया फूला सिंह। और उस दे जन्म तों एक साल बाद ही सिखां नूं निस्तरों नबूद करन वास्ते अहमद शाह अब्दाली ने भारत दे उपर हमला कीता। इस हमले के दौरान सिखां दा भारी नुकसान होया जिसनों इतिहास दे विच वड्डा घल्लूघारा कह के याद किया जाता है। जिस दिन 30 से 35 हज़ार सिख इको दिन दे विच शहीद कर दिते। इस घल्लूघारे के दौरान सरदार ईशर सिंह जी सख्त जख्मी हो जाते हैं। उन्होंने जख्मी होने तो बाद उन्होंने अपने शरीर के बारे देख लिया कि हुण छेती ही शरीर नूं छड्डण दा समां आ गया है। उन्होंने अपने पुत्र नूं बाबा नैना सिंह दी झोली विच पा दिता और आप वो अकाल चलाना कर गए। फूला सिंह जी दी परवरिश बाबा नैना सिंह ने कीती अपने नाल ही लै गए। उन्होंने जिथे धर्म की विद्या, अध्यात्मिक विद्या, शस्त्र विद्या, शस्त्र ते शास्त्र दे विच उन्होंने निपुण कर दिता। चढ़दी जवानी दे विच ही फूला सिंह ने जिथे नितनेम दीआं बाणीआं नूं कंठ कर लिया उत्थे शस्त्र अभ्यास करना शुरू किया, घोड़सवारी सीख ली और वह तीरअंदाजी दे विच वी बड़े निपुण योधे बन चुके सन। जदों के बाबा नैना सिंह जी अकाल चलाना कर गए, उन्हां दे चलाना कर जाण तों बाद समुचे ही जथे ने अकाली बाबा फूला सिंह नूं अपना जथेदार मन लिया। अकाली बाबा फूला सिंह जी शख्सियत पंथ दे विच किसी तों लुकी होई नहीं सी। वो बड़े सच्चे ते सुचे किरदार दे मालक सन, बड़े बहादुर योधे सन और गुरु दे उपर निश्चा रखण वाले अडोल सिदकी सिख भी सन। जिथे उन्हां नूं जरनैल दे तौर दे उपर याद किया जाता है उत्थे उन्हां दी निडरता इस गल तों भी वेखी जा सकती है कि समय दे बादशाह महाराजा रणजीत सिंह नूं भी जिहड़ा उह सीधे तौर दे उपर चैलेंज कर दिया करदे सन। उन्हां दे सामने कोई भी उच्ची आवाज़ दे विच गल नहीं सी करदा, सारे उन्हां दे अगे झुकदे सन, सारा पंथ जिहड़ा उन्हां दा सत्कार करदा सी। जिथे पंथ जिहड़ा उन्हां दा सत्कार करदा सी इहदे नाल नाल दुश्मन दीआं फौजां जिहड़ियां ने उह भी अकाली बाबा फूला सिंह दा सत्कार करदियां सी। उन्हां दा राजनीतिक कद इन्ना उच्चा सी जदों महाराजा रणजीत सिंह ते अमृतसर दे विच रहण वाले भंगी सरदारां दे विच एक खूनी टकराव होण लगा, जंग होण लगी तां विच आण के अकाली बाबा फूला सिंह खड़ जांदे ऐ और दोहां धिरां नूं जंग करन तों रोक दिंदे ऐ और विच पै के दोहां दा जिहड़ा उह समझौता करवा दित्ता जांदा ऐ। अकाली बाबा फूला सिंह जी ने महाराजा रणजीत सिंह दे नाल उन्हां दीआं जित्तां दे विच अहम योगदान पाया और हकीकत इह सी हर जित दे विच अगे वध के उन्हां ने मुहिम दे विच हिस्सा लिया, चाहे नशहरे की होवे, चाहे पेशावर की होवे, कश्मीर की होवे, किसी भी प्रकार की जंग होवे, अकाली बाबा फूला सिंह ने वध चढ़ के हिस्सा लिया। जदों महाराजा रणजीत सिंह जी ने पेशावर के उपर हमला करन वास्ते अकाली बाबा फूला सिंह दे कोलों आग्या मंगी ते अरदास करवाई तां अकाली बाबा फूला सिंह ने कहा रणजीत सिंह गुरु रामदास महाराज के घर के उपर श्री दरबार साहब के उपर सोना चढ़ाना है, ये खालसा पंथ नूं सेवा करनी चाहिए है। और महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि जिन्ना भी सोना पेशावर विचों आएगा असीं श्री दरबार साहब के उपर चढ़ा देंगे। और इस तरह के नाल ही होया, अकाली बाबा फूला सिंह की अगवाई के हेठ पेशावर के उपर हमला करके जितया गया और उस तो बाद श्री दरबार साहब के उपर सोना चढ़ाने की सेवा भी उन्हां दी निगरानी हेठ ही हुई सी। दूसरे पासे अंग्रेज जिहड़े सन वाहोदाही पंजाब वाले पासे नूं आ रहे सन पर उन सिखां दे कोलों डरदे भी सी क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह दी वड्डी ताकत होण करके उह पंजाब दे विच दाखल होण तों डरदे सी। उन्हां दे नाल संधि करन दी गल चली तां उस वेले दे नाल महाराजा रणजीत सिंह चाहुंदे सी कि खालसा राज दी सरहद जिहड़ी है ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਮਣਾ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੱਕ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾ ਲਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਸੰਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
पर इस संधि तो नाराज हो के अकाली बाबा फूला सिंह जी दमदमा साहब श्री आनंदपुर साहब इत्यादि थावां दे उपर जाके सिखी का प्रचार करन लग गए। अंग्रेज़ जिहड़ा सी उन्हां दे खुलेआम तुरे फिरन तो डरदा सी और महाराजा रणजीत सिंह नूं कह रहा सी कि अकाली बाबा फूला सिंह नूं गिरफ़्तार करन दी इजाज़त सानूं दे देनी चाहीदी है। बल्कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने उस वेले बाबा साहिब सिंह बेदी नूं भेज के और एक बेनती पत्र भेजिया कि तुसीं खालसा राज दी सरहद दे अंदर आण के विचरना करो और अकाली बाबा फूला सिंह फिर श्री अमृतसर आ जाते हैं। जिस वेले दे नाल रणजीत सुगरिया नूं उच्चे अहुदे दिते और मोरां दा नाच वेख्या तां इस तों अकाली बाबा फूला सिंह ने श्री दरबार साहब दे अंदर महाराजा रणजीत सिंह दी अरदास करन तों इनकार कर दिता और उन्हूं तनखाइया करार जिहड़ा दे दिता गया और इत्थों तक कि महाराजा रणजीत सिंह उस वेले दे नाल जल्दी दे नाल दौड़िया होया अकाली बाबा फूला सिंह दे कोल आया। तो अकाली बाबा फूला सिंह दी निडरता इन्नी ज़्यादा है कि उन्होंने 100 कोड़े मारन दा हुक्म सुना दिता, फैसला सुना दिता। जदों इमली दे दरख्त नाल बन के महाराजा रणजीत सिंह नूं कोरड़े मारन लगे तां सिख संगतां ने कहा कि अकाली जी जदों बादशाह कोरड़े खाण वास्ते तैयार होवे तां इहनूं बख्श देना चाहीदा। अकाली बाबा फूला सिंह जी ने उस वेले उन्हां नूं माफ़ किया। इन्नी वड्डी हैसियत दे मालक सी अकाली बाबा फूला सिंह जी और अंग्रेज़ भी जिहड़े सन उन्हां दे नाम तो डरदे पए सन, सारे उन्हां दा सत्कार करदे सी। जिस वेले दे नाल काबल दे बादशाह मुहम्मद अजीज़ खान ने अपनी वड्डी गिनती विच फौज इकट्ठी कीती, जहाद दे नाम दे उपर नारा लाया और अपनी वड्डी गिनती विच फौज इकट्ठी करके उन्हें पेशावर दे उपर हमला करता। दरिया अटक तक आण के उन्हें अपने झंडे जिहड़े सन गड़ दिते और जिथे सिखां दा राज सी खालसे दा राज सी उन्हें आण के उत्थे दुबारा तो कब्जा कर लिया। जदों इस गल दा पता महाराजा रणजीत सिंह नूं लगा तां उन्हां ने अपनियां फौजां भेजणियां शुरू कीतियां। सरदार हरी सिंह नलुआ जी नूं उस वेले भेजिया गया, देसा सिंह मजीठिया भेजे गए, फतेह सिंह आलूवालिया और नाल ही उन्हां दे अकाली बाबा फूला सिंह जी और इत्थों तक कि महाराजा रणजीत सिंह आप भी अपनी फौज लै के मगरे ही चल पैंदे आ। जिस वेले दे नाल सरदार हरी सिंह नलुआ जांदे आ तां अटक दरिया दे कंडे दे उपर जिहड़ा जहांगीर दा किला बणिया होया सी, अटक दरिया इहनूं तां कहा जांदा है क्योंकि इत्थे दो दरिया आण के इकट्ठे हो जांदे, दरियाए सिंध ते दरियाए लुंडा। जिथे आण के इकट्ठे हुंदे उस दरिया दा जिहड़ा घेरा बड़ा विशाल हो जांदा है और आउण जाण वाले राहियां दे वास्ते अटक पाउंदा, इस करके इहदा नां अटक दरिया जिहड़ा उदों प्रसिद्ध हो गया सी। और उत्थे जिथे जहांगीर दा किला बणिया होया सी काबल दे बादशाह मुहम्मद अजीज़ खान ने उत्थे आण के कब्ज़ा कर लिया, उहदियां फौजां आ गईयां। जिस वेले दे नाल सरदार हरी सिंह नलुआ जी गए और एक झड़फ तो बाद भावें कि सरदार हरी सिंह नलुए ने जहांगीरी किले के उपर कब्जा कर लिया, उस तो बाद फौजां ने आण के उन्हों घेरा पा लिया और सरदार हरी सिंह नलुआ फौजां समेत किले दे विच घिर जांदे आ। घिरन तो बाद जिहड़ा अड़क दरिया दे उपर बेड़ियां दा पुल बजा होया सी उस बेड़ियां दे उपर बेड़ियां दे बजे हुए पुल नूं अफगान फौजां दे वलों तोड़ दिता गया तां कि खालसा फौज उधर ना आ सके। जिस वेले दे नाल सिख फौजां अड़क दरिया दे कंडे ते पहुँचदियां टुटा होया बेड़ियां दा पुल वेखदियां और सिखां नूं उस वेले बड़ी फिकर हुंदी है कि सिख फौजां उधर घिरियां होईयां ने। अकाली बाबा फूला सिंह जी ने अरदास की, अरदास करके उन्होंने ऐसा रस्ता लभ्या जिस रस्ते थानी आम करके दरियावां दे विच पतन बने होंदे है जिथों दी दरिया नूं पार करना थोड़ा सुखैन हुंदा है, उत्थों जाके अकाली बाबा फूला सिंह जी ने एक पतन लब के नाल ही मगर सिख फौजां नूं इशारा किया और सिख फौजां दरिया तों परले बन्ने निकल जांदियां। जदों सिख फौजां आउंदियां तां इह वेख के अफगान फौजां जिहड़ियां उत्थों दौड़ जांदियां और सरदार हरी सिंह नलुआ भी किले तों बाहर आ जांदे आ। भावें कि आरजी तौर दे उपर सिखां दी जित हो चुकी सी पर जिहड़ी वड्डी गिनती दे विच जहाद दे नाम दे उपर अजीज़ खान ने फौज जिहड़ी इकट्ठी कीती सी उन्हां ने अजे भी मोर्चाबंदी कीती होई सी। 14 मार्च 1823 दा उह दिन चढ़दा है जिस वेले दे नाल अमृत वेले आसा जी की वार दे कीर्तन तो उपरंत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन हजूरी विच दीवान दी समाप्ति हुंदी है। उस वेले दे नाल फिर चर्चा हुंदी है कि असीं भावें जित चुके हाँ पर अजे भी मुहम्मद अजीज़ खान दीयां फौजां जिहड़ियां मोर्चे ला के बैठियां होईयां। अकाली बाबा फूला सिंह जी ने कहा कि असीं आउने आ अफगान भज जांदे आ, जदों असीं वापस लाहौर चले जाने आ अफगान फिर आ जांदे आ, क्यों ना एक अंतम युद्ध जिहड़ा है वह इहनां दे नाल अज लाड़ी लैणा चाहीदा है। जे ते खालसा फौजां जितणगियां
ते सदा वास्ते इत्थे खालसा फौजां दे निशान जिहड़े झुलाए जाणगे। ते जे असीं हार के वापस चले जाने आ ते इह इलाका काबल दे अधीन आ जाएगा, पर असीं गुरु ते भरोसा रख के आए हाँ, असीं हार के कदे वापस नहीं जावांगे। फैसला हो जांदा है कि अज अंतम युद्ध जिहड़ा उह लड़ लिया जाए। दूसरे पासे मुहम्मद अजीज़ खान दीआं फौजां निशहरे दीआं पहाड़ियां दे विच वड्डे पद्धर ते मोर्चाबंदी करके बैठिया हुई सी। सिख फौजा कूच करन दा हुकम दिता जांदा है। सारियां तो अगे अकाली जथा ते उन्हां दे जथेदार अकाली बाबा फूला सिंह जी अरदासा सोध के सवार हो के ते अगे नूं वधन दे वास्ते तैयार हुंदे है। नाल उन्हां दे होर सिख जरनैल ते सिख फौजा जिहड़ियां तैयार सी। उस वेले एक सूईए ने आण के शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं एक खबर दित्ती है, कान दे विच कुछ किया है। तां उस वेले छेती दे नाल शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह घोड़ा दौड़ा के अकाली बाबा फूला सिंह दे कोल आण के कहिंदे कि अकाली जी अपनियां तोपां अपना असला अजे जिहड़ा उह नहीं आया, सामने दुश्मन दे कोल वड्डी गिणती दे विच असला है, तोपां है, साडा असला साडियां तोपां अजे पिछे रह गईआं है, क्यों ना हमला कुछ देर वास्ते रोक दिता जाए। अकाली बाबा फूला सिंह रोब दे विच आ गए। रोब विच आण के कहन लगे, कहिंदे काणिया मैं अरदास कर चुका हाँ, तू राजनीतिक बंदा है, तेरी मर्जी है, तू आना आ नहीं आना ना आ, पर मैं गुरु का सिख हाँ, गुरु के सन्मुख अरदास की है, अरदास करके मैं पिछे नहीं हटाँगा, तेनू तेरियां तोपां ते तेनू तेरे असले ते माण होवेगा, पर मैनू गुरु के उपर माण है, गुरु के उपर भरोसा है, इस करके मैं हमला करन वास्ते चलिया, मैं अरदास करके पिछे नहीं हट सकता। सारियां तो अगे अकाली जथा तुरदा है और उस वेले अजीज़ खां दियां तोपां जिहड़ियां ने अग वरा रहियां सी, गोलियां वरस रहियां सी। अकाली बाबा फूला सिंह दी नीति दे मुताबक उन्होंने गोलियां दी परवाह ना करदे होए, तोपां दी परवाह ना करदे होए सीधा ही मोर्चियां दे उपर जाके हमला जिहड़ा उह कर दिता जिथों तोपां चल रहियां सी, और छेती दे नाल जाके मोर्चियां दे विच जदों वड़ गए जिहड़ियां तोपां दे गोले सी उह अकाली बाबा फूला सिंह ते उन्हां दे जथे दे उपर दी हो के अगे नूं डिगण लग गए और जाके मोर्चियां दे विच हत्थों हत्थ दी लड़ाई जिहड़ी शुरू हो जांदी है। जदों तोपां चलणियां बंद हो गईआं ते बाकी सिख फौजां जिहड़ियां उह वी अगे वधन लग जांदियां। उत्थे भयानक जिहड़ी जंग हुंदी है, बड़ी खूनी जंग हुंदी है, वड्डे पद्धर दे उपर जंग हुंदी है और उस जंग दे विच वड्डे पद्धर दे उपर कतलेआम हुंदा है। सिख फौजां शहीद हो रहीआं सी, अफगाना दे जिहड़े सिपाही सन उह मर रहे सन, और उस वक्त अकाली बाबा फूला सिंह बड़ी बहादुरी दे नाल तेग दे जोर जिहड़े उह विखा रहे सन। आखिरकार एक गोली आण के उन्हां दे घोड़े दे लगदी है और घोड़ा जिहड़ा उह धरती दे उपर डिग जांदा, घोड़े दी मौत हो जांदी है। अकाली बाबा फूला सिंह हाथी दे उपर सवार होकर उसे तरह दे नाल तेग दे जोर विखा रहे सन। लड़दियां लड़दियां जिस वेले जंग बिल्कुल जितया जा चुका सी, अफगान फौजां दौड़नियां शुरू हो जांदियां, लेकिन एक ने आण के एक सिपाही ने अकाली बाबा फूला सिंह दे उपर रफल दे नाल वार कीता और उन्हां दे सीने दे विच गोलियां वजियां, जिस तों बाद अकाली बाबा फूला सिंह शहादत दा जाम पी जांदे है। जदों सिख फौजां जित चुकियां सन, जित दे जकारे लग चुके सन, अकाली बाबा फूला सिंह जी नूं लभणा शुरू कीता तां उस वेले तक अकाली बाबा फूला सिंह शहादत दे जाम पी चुके सन। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह कोल आउंदे है, उह वी अपनियां अखां दे विच्चों जिहड़े हंजू है उन्हां नूं नहीं रोक सके, सिख राज दा राखा कह के उस वेले अकाली बाबा फूला सिंह जी नूं सत्कारिया गया। महाराजा रणजीत सिंह कहिंदे ने कि इह सिख राज दा राखा है, और उस ही थान के उपर फिर अकाली बाबा फूला सिंह जी का जिहड़ा अंतम संस्कार किया जाता है। उत्थे अक्सर ही जिहड़ा विसाखी के उपर सिख जिहड़े सन वो एकत्र होंदे सी, पाव उन्हां दी याद विच जोड़ मेला मनाया जाता सी। पाकिस्तान बन तो बाद वो जगह जिहड़ी है वो उधर ही रह जाती है, और अज 14 मार्च 1823 तो लैके अज सिख पंथ नूं उन्हां दी शहादत नूं 200 साल हो गया है, और दूसरी शताब्दी जिहड़ी उन्हां दी शहादत दी सिख जगत जिहड़ा मना रहा है। अकाली बाबा फूला सिंह वाली निडरता, उन्हां वाली सूरबीरता, उन्हां वाली युद्ध नीति, उन्हां वाली रणनीति, उन्हां वाली बहादुरी सानूं भी अपने अंदर झाती मारनी चाहिए, उन्हां दे पाए हुए पूरनियां दे उपर चल के अपना जीवन सफल बनाउणा चाहीदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।